तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस कैसे हो, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। गाइस आज सुबह सुबह जल्दी मैं थोड़ा सा अपना गार्डन का वर्क है वो करने वाला हूँ। और गाइस जो आप देख पा रहे हो ये प्लांट है मेरा नीलकमल का। और गाइस आज मैं नीलकमल के प्लांट को अच्छी शेप देने वाला हूँ और इसकी कटिंग करने वाला हूँ, क्योंकि इसकी काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचेज हो गई है और नीचे की साइड निकल रहा है ये। सो आज इसकी हम कुछ इस तरीके की कटिंग करने वाले हैं और इसको एक अच्छा शेप देने वाले हैं। और गाइस दूसरी बात ये है कि इसकी कटिंग भी हम ग्रो करेंगे, ठीक है। और अभी इसका ग्रोइंग पीरियड भी स्टार्ट होने वाला है जल्दी, ठीक है। तो इसको कुछ अपन न्यू शेप देने वाले हैं और इसको गमले वगैरह चेंज भी करेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख पा रहे हो इसकी जो नीचे की ब्रांचेज है वो मैं पूरी निकाल रहा हूँ कुछ इस तरीके से। आप देख पा रहे हो ये साइड की जो ब्रांच है वो मैं इसकी निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबी लंबी ब्रांचेज इसकी हो गई थी इसके कारण। और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना और किस तरीके से इसको आपको ठीक करना है। अगर आपका भी प्लांट कुछ इसी तरीके से हो रहा है तो आप इसकी कटिंग वगैरह कर दीजिए तो ये थोड़ा सा अच्छी शेप में आ जाएगा। और गाइस जितना भी गार्डन का वर्क होता है वो जल्दी जल्दी कर लो तो अच्छा है, क्योंकि गाइस फिर आपको पता है कि धूप इतनी तेज़ हो जाती है कि कोई भी काम में मन नहीं लगता है। मन तो दूर की बात, आप खड़े ही नहीं रह पाओगे। और गाइस इतना ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है कि आप छत पे खड़े नहीं रह पाओगे। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी जल्दी जितना भी मेरा गार्डन का वर्क है वो मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। अभी तो देख सकते हो कितने सारे प्लांट्स अभी पड़े हुए हैं इनको ठीक करने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा कचरा है वो भी मैंने यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। सो आप देख पा रहे हो इनको फिर साइड में रख देते हैं हम और फिर हम कटिंग लगाएंगे। और गाइस अभी देख पा रहा हो मैंने कुछ इसकी इस तरीके की शेप दे दी है, जब इसकी ग्रोथ निकल के आएगी तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अभी इसको साइड में रखेंगे और अभी इसमें देख सकते हो चींटियाँ निकल रही है। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहना, कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स भी आपको देने वाला हूँ, ठीक है। सो अभी देख सकते हो कितना ज़्यादा घना हो रहा है। तो इतना अभी देख सकते हो ये छोटे से एक डिब्बे में लगा हुआ है और अभी आप इसकी वो ग्रोथ देख सकते हो कितनी ज़्यादा हो रही है, मतलब कि पूरा उठ भी नहीं पा रहा है ये देख सकते हो नीचे से ब्रांचेज निकल रही है कुछ इस दो डिब्बे में मैंने इसको लगा रखा है। अभी ये एक दूसरे को कंबाइन कर रखा है, ये छूट भी नहीं रहा है। सो चलिए इसको भी निकालते हैं, इसकी भी कटिंग करते हैं आराम आराम से। जो कि नीचे की साइड रन कर रही है वो कटिंग से आपको लेनी है, ठीक है। और जब ये नीचे की साइड को रन करेगा या फिर आपको हैंगिंग में लगाना है वो आप लगा सकते हो, लेकिन अभी जो गमले में है और नीचे की साइड अगर वो रखा है तो आपको उसकी कटिंग करना चाहिए। अगर आपने स्टैंड वगैरह पर लगाया हुआ है सो फिर ठीक है, क्योंकि स्टैंड वगैरह पर लगा हुआ रहता है तो वो नीचे की साइड रन करता है तो फिर अच्छा लगता है, समझ रहे हो ना आप। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो, मैं इधर से काटूँगा पहले इसको ये कुछ इस तरीके से, ये थोड़ा सा और बचा है ये वाला, सो गाइस अभी देख सकते हो मैंने कुछ ही गमले किए हैं, इनकी कटिंग है वो मैंने कुछ ही गमले की और अभी देख सकते हो कितना सारा इसमें कचरा हुआ निकला है। और अभी हम इनमें से कटिंग भी लगाएंगे। गाइस वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में। सो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।